हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द रुचिका मोहंती ब्लॉग। एंड जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल रहा है, दिस इज द नो मेकअप मेकअप लुक। एंड बहुत सिंपल सा वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा कम मेकअप का सामान यूज हुआ है, सो बहुत जल्दी भी वीडियो बन गया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग था ये वीडियो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी। तो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अब जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। एंड सबसे पहला स्टेप तो मॉइस्चराइज करने का ही है, इसलिए मैंने एक बहुत ही अच्छा, मेरे स्किन को जो सूट करता है वैसा मॉइस्चराइजर लिया है। आप भी कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, मतलब आपके स्किन टाइप को सूट करता हुआ। और अपने फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर लीजिए उसके बाद। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, मैंने आज फाउंडेशन और कंसीलर कुछ भी यूज नहीं किया है। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत कम मेकअप का सामान यूज कर रही हूँ, तो मैंने एक म्यूज फाउंडेशन लिया है, स्विस ब्यूटी का म्यूज फाउंडेशन। ये थोड़ा बीबी क्रीम से आप कह लीजिए एक लेवल ऊपर होता है, और फाउंडेशन तो ये होता नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये फाउंडेशन जितना इफेक्ट देता है, मतलब आपके चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और स्विस ब्यूटी का ये जो फाउंडेशन है ना, म्यूज फाउंडेशन, यस, ये माय गॉड बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, खासकर कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या जिनको डेली बेस पर फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है। और बीबी क्रीम आपको लगता है कि इतना असरदार नहीं होता, तो आप इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। सेकेंड स्टेप में मैं अपना आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। मतलब आप किसी भी मेकअप लुक में ना, कुछ और करें ना करें, एक बार आईब्रोज को डिफाइन कर देते हैं ना, तो आपको चेहरे को कॉन्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, कंसील करने की भी जरूरत नहीं है, आपका फेस बहुत डिफाइंड लुक आ जाता है उससे। अब मैं अपना फेस थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। मतलब मैंने जो म्यूज फाउंडेशन लगाया था वो एक प्राइमर बेस था, लेकिन एक पूरा फ्लॉलेस लुक लाने के लिए, एक फ्रेशनेस लाने के लिए मैं बेका का ये पाउडर ले रही हूँ और उससे अपना फेस सेट कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा ना, फेस एकदम ब्लर इफेक्ट आ गया है मेरे फेस पर, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फ्रेशनेस आ गई है। तो यस, अभी एक पाउडर, मतलब एक ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको लगा रही हूँ। जो सेकंड स्टेप है उसमें मैं अपने जो आई लैशेस हैं उनको कर्ल कर रही हूँ। आज मैं आई लाइनर हुआ या काजल हुआ कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ एक मस्कारा से मैंने अपने आईज को थोड़ा डिफाइन किया है। तो उससे क्या है ना, आपके बाकी जो है ना फीचर्स हैं, अगर वो डिफाइन रहते हैं नो मेकअप मेकअप लुक में, तो आपको मेकअप का ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका फेस भी एक अलग से शाइन करता है, एक डिफाइंड लुक देता है। तो इसलिए मैंने अपने आईज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इसमें। फ्रेश लुक में ना ब्लश यूज ना हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉपर ब्लश नहीं लिया है। रेवलॉल का ये लिप विनाइल है, इसी को यूज कर रही हूँ ताकि चिक्स पे एक हेल्दी ग्लो दिखे, एक हेल्दी यू नो रेडनेस दिखे, और वो बहुत ही टिंट जैसा काम करता है। और ये खासकर ये रेवलॉन का जो ग्लॉस है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, ये प्रॉपर आपका लिपस्टिक भी नहीं है। और जो लिप ग्लॉस होते हैं जो थोड़े से यू नो पार्टी स्टाइल में जो चंकी पार्टिकल्स वाले होते हैं, ये वो भी नहीं है, एक प्रॉपर अच्छी हेल्दी रेडनेस देता है और ग्लॉसी ग्लॉसी सा प्लम्बिंग इफेक्ट देता है। तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आया था, और इसी को ही मैंने एज अ टिंट अपने चिक्स के लिए भी यूज़ किया है। और रेड और लिप्स तो आप देख ही सकते हैं कितने क्यूट और फुलर दिख रहे हैं मेरे लिप्स, तो इसको आज मैंने चूज़ किया इस लुक के लिए। एंड यू कैन सी द रिजल्ट, बहुत ही ज़्यादा फ्लशी चिक्स और लिप्स, बहुत ही ज़्यादा यू नो फेस, बहुत एक हेल्दी नेचुरल लुक आ जा रहा है उससे। फाइनल सेट मैंने ये ब्लू हेवन का ST कॉम्पैक्ट पाउडर है उसी से कर रही हूँ, और ये भी मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि अगर आप बाहर जाते हैं मतलब इस लुक के साथ, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, मतलब बाहर का मॉइस्चर और थोड़ा बहुत यू नो घूमने फिरने के बाद, उसके बाद भी काफ़ी समय तक आपकी जो फ्रेशनेस है आपके चेहरे का, जो ये नो मेकअप लुक के मतलब जो हेल्दी ग्लो है वो बना रहेगा इससे। इसलिए फाइनल सेट मैंने इस कॉम्पैक्ट पाउडर से किया है। एंड यस, दिस लुक इज रेडी, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और मैं आपसे मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में।